अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। कलेक्टिवली 24 ऑफिसर शहीद हुए हैं। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? तुम सभी का स्वागत है इस ऑपरेशन ब्लैक में। आखिर तुम हो कौन? लग गया। उन लोगों की तलाश में हूं जिनके पास खोने को कुछ नहीं। वो जाल बिछा चुके हैं, पुलिस हमारा इंतजार कर रही है। मेरे पास एक प्लान है। आने वाली फिल्म जवान ने आजकल से ही नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से फिल्मी न्यूज में अपना स्थान बरकरार रखा है और इस फिल्म को साउथ की डायरेक्टर एटली कर रहे हैं डायरेक्ट, तो इसी वजह से ऑडियंस इस फिल्म की स्टोरी जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन एटली की टीम की तरफ से इस बारे में कहीं भी कोई भी बात बाहर नहीं आई है और बस सबको इतना ही पता है कि इस फिल्म में शाहरुख खान ड्यूअल रोल में दिखने वाले हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें शाहरुख खान की जवान कौन से फिल्मों से इंस्पायर्ड होने वाली है उस पर बात की गई है। तो एक सोर्स के हिसाब से शाहरुख की जवान अमिताभ बच्चन की आखिरी रास्ता से इंस्पायर्ड होगी, जो खुद तमिल फिल्म ओरु कैदी येन डायरी की ऑफिशियल हिंदी रीमेक फिल्म थी और इस ओरिजिनल तमिल फिल्म में कमल हसन लीड रोल में थे। आखिरी रास्ता फिल्म और ओरु कैदी येन डायरी फिल्म दोनों में ही अमिताभ बच्चन और कमल हसन बाप और बेटे के डबल रोल में नजर आए थे। साथ ही आखिरी रास्ता की तरह जवान फिल्म भी एक रिवेंज स्टोरी होने वाली है। तो इन दोनों फिल्मों के दो की पॉइंट्स तो सिमिलर है ही और बाकी की फिल्म में शाहरुख खान अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसा रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। साउथ के सुपरस्टार डायरेक्टर एटली कमल हसन के काफी बड़े वाले फैन हैं और इसीलिए उन्होंने उनकी फिल्म ओरु कैदी येन डायरी में से जवान के लिए एक काफी कोर पार्ट लिया है। साथ ही सोर्सेस का ये भी कहना है कि जवान इन फिल्मों की रीमेक नहीं है, सिर्फ इंस्पायर्ड है। एटली ने भले ही जवान के लिए इन फिल्मों का कोर प्लॉट लिया है लेकिन उन्होंने आज के ऑडियंस के हिसाब से जवान की एक नई कहानी को बनाया है जिसके इमोशंस तो ओरु कैदी येन डायरी और आखिरी रास्ता जैसे ही होंगे लेकिन उन्हें आज के जमाने के हिसाब से शेप दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जवान के किरदार तो होंगे आज के जमाने के लेकिन वो इन क्लासिकल फिल्मों के ट्रेक्स और प्रोजेक्टरी के साथ बिल्कुल ही सिंक में होंगे। अब जवान इन फिल्मों के इंस्पिरेशन है या रीमेक ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा जब इस फिल्म का ट्रेलर या टीजर आएगा। फिलहाल तो ये फिल्म अपने पोस्ट प्रोडक्शन में है और शाहरुख अपनी नेक्स्ट फिल्म डंकी की शूटिंग में लगे हुए हैं और फैंस जवान के पोस्टर टीजर या ट्रेलर के इंतजार में हैं और साथ ही जवान की रिलीज डेट 2 जून कन्फर्म है। तो क्या आप हैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और जाते जाते इस वाले वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। खान की अपकमिंग मूवी जवान के लिए सभी जहां एक्साइटेड है वहीं उनके काफी सारे फैंस अलग अलग तरह के पोस्टर्स बनाकर अपनी एक्साइटमेंट को शो कर रहे हैं और ऐसे ही पैन मेड पोस्टर में से एक पोस्टर में जवान को मार्वल के फर्स्ट सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका के साथ कंपेयर किया गया है। जवान की एक हाथ में बंदूक तो दूसरे हाथ में शील्ड देकर और ये पोस्टर देखने में भी काफी अच्छा है। वैसे देखा जाए तो जवान को हम कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सुपर हीरो बनने से पहले स्टीव एक सोल्जर यानी कि जवान थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अपनी आर्मी के लिए लड़ते थे और दूसरा इसीलिए भी कैप्टन को जवान के साथ कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों एवेंजर्स के हर मिशन के लीडर कैप्टन अमेरिका ही होते हैं और ऐसे ही हमारे जवान भी अपने मिशन के कैप्टन होने वाले हैं और साथ ही
स्टीव और जवान की स्ट्रेंथ भी एक जैसी है। दोनों को मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई है और दोनों ही अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और एट द एंड दोनों ही एक अच्छे लीडर्स भी है। तो SRK के फैंस की ये थ्योरी और कंपैरिजन काफी सही है। और अब बस सबको किसी ऑफिशियल पोस्टर या ट्रेलर का इंतजार है। आजकल की मोस्ट ऑफ बड़ी एक्शन मूवीज को 3D या फिर IMAX फॉर्मेट में रिलीज किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र से हुई थी। तो वहीं हाल ही में अजय देवगन की आई फिल्म भोला के ट्रेलर को भी 3D में रिलीज किया गया था, और उसकी क्वालिटी ऑडियंस को काफी पसंद भी आई थी, और इस फॉर्मेट की वजह से भोला की एक्शन सीन्स भी देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। अब इन सब को देखते हुए जवान की ट्रेलर को भी 3D में रिलीज किया जा सकता है, और जवान का ट्रेलर या टीजर उसी वक्त में आने वाला है। और अगर ये ट्रेलर 3D में आता है तो जरूरी सभी के रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। साथ ही आजकल क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट का रूल चल रहा है, और 3D की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, तो जवान का भी 3D में आना पॉसिबल है, जो जवान के अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस को और भी शार्प और विजुअल्स को और भी खूबसूरत बनाने वाला है। बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान अब किंग ऑफ एक्शन बन चुके हैं। हालांकि SRK ने अपनी फिल्मों की शुरुआत एक रोमांटिक हीरो के तौर पर की थी, और अपने ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन में उन्होंने अपने एक्शन के साथ लोगों के होश उड़ा दिए थे, और फिर डॉन में उनका एक्शन और भी बेहतर नजर आया। शाहरुख के एक्शन स्टाइल बाकी सबके एक्शन से काफी अलग है। वो ज्यादातर अपना एक्शन खुद ही करते हैं और हैंड कॉम्पैक्ट ज्यादा करता है। बाकी हीरोज की तरह वो लॉन्ग जंप्स या फिर किक्स कम मारते हैं, पर बाइक और कार के साथ जरूर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उनका एक्शन ऑडियंस को रियल लगता है, ना कि फेक, जो कि उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और अपने एक्शन को स्मूथ बनाने के लिए वो स्ट्रिक्ट वर्कआउट भी करते हैं। तो आपको SRK का कौन सा वर्जन पसंद है, रोमांटिक या फिर एक्शन वाला? लेट अस नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो, कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहाँ के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली, और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है, और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही सब बात करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी 2 लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी, और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ?
दोस्तों साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं। और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा, तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा, जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था, उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया, उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई, तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जहा गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई।
नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं, दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है, जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों, सबने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना हैशटैग आस्क एसआरके नाम का सेगमेंट करेंगे, जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इंपॉर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहां पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर अटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए जा। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं।
एटलीस्ट 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है, जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत, नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए, जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही संवाद करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी 2 लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस
गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं, और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी, आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई, और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए। जाहा गया था, अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है, और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहां जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों, ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों, आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे, और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में की जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे।
जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं, दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों, सबने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना #AskSRK नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहां पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सानिया मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर अटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए जा। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं।
फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है, जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत, नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहाँ के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही संवाद करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी 2 लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के 2 गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं। और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है।
कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी, आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तर बतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जाता गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं।
इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों सबने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देखकर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना #AskSRK नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर अटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए जा। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं।
जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहाँ के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही संवाद करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी दो लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपर हिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं। और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जा गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों सब ने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना #AskSRK नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं
उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर अटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए जा। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा, और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है, जिसे मार दिया जाता है, और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए, जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर।
सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही संवाद करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजरी हो गई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी दो लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं। और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।
और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जाहा गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों सब ने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देखकर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना हैशटैग #AskSRK नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है।
पर कुछ गौर किया आपने? शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर अटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार है। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा, और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है, जिसे मार दिया जाता है, और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है, 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही सब बात करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी 2 लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है।
20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं। और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तर बतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए। जा गया था, अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों, ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था।
उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों सब ने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना #AskSRK नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं।
साउथ फिल्म मेकर अटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार है। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा, और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है, जिसे मार दिया जाता है, और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए, जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही संवाद करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी 2 लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने।
कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं। और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा, तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा, जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था, उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया, उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई, तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जहां गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों, ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों, आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई।
नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं, दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है, जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों, सब ने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना हैशटैग आस्क एसआरके नाम का सेगमेंट करेंगे, जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बते दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर अटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं।
एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है, जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत, नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए, जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही सब बात करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी 2 लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए
अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं, और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जाहा गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में की जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रियामणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है।
शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं, दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों, सबने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना हैशटैग आस्क एसआरके नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहां पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए जा। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्टबस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका 3रा ग्रूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे।
कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये पांचवी फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत, नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही सब बात करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी दो लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं। और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है।
कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए। जहा गया था, अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटे लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है, जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं।
इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों सब ने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देखकर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना #AskSRK नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहां पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर अटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए जा। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं।
जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।